हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमने ये बुक्स ख़रीदी हैं, लगभग 7 बुक्स हैं। तो पहली तो ये वास्तु जिज्ञासा एवं समाधान, बस यूँ ही वास्तु के बारे में मेरे पास एक PDF तो थी, पर मुझे लगा कि हार्ड कॉपी में एक, चलिए देखते हैं क्या है। इट्स जस्ट अ स्टार्ट। मैंने थोड़ा कुछ वीडियो लेक्चर भी देखे थे दो चार, तो इंशाल्लाह वो काम करेंगे। और ये है डू इट टुडे। इसका मतलब ये नहीं आपको इंटरेस्ट हो ना हो, इट डिपेंड्स। मीन्स यस आई नो वास्तु यू कैन से टाइप ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, डू इट टुडे, क्योंकि हाँ मैं हर एक काम बहुत लेट कर देता हूँ ये कह सकते हो। तो ये बुक मेरे को हालांकि पढ़नी होगी सबसे पहले, ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। ये चीज़ आपके वर्क लाइफ को बदल सकती है। और मैंने इसे कैसे सेलेक्ट किया, डू इट टुडे टुडे, और इसका मतलब फॉन्ट मेरे को अच्छा लगा, यू नो, क्वाइट सिंपल एंड येलो कलर। और फिर ये डेरियस फॉरॉक्स, आई डोंट इवन नो हिम, नंबर वन मैं नहीं देखते थे। और हाँ, बुक खोल करके आप देख लो कि भाई हाँ बुक पढ़ने लायक है, मतलब उसमें थोड़ा चित्र उत्र बने हुए हैं और थोड़ा स्पेसिंग देके सही से लिखा हुआ है। तो लेट्स सी। स्टीफन हॉकिंस, ब्रीफ आंसर टू द ब्रीफ क्वेश्चन। भाई ये तो नाम ही मैंने देखा, स्टीफन हॉकिंस को तो इग्नोर नहीं कर सकता मैं। सो ओ दिस गना बी इट, तो ये तो होना ही था, दिस इज अ मस्ट। स्टीफन हॉकिंस, अगर जिन्हें नहीं पता हो, तो क्वांटम मैकेनिक्स और ब्लैक होल और इन सब की थ्योरीज। स्टीफन हॉकिंस के बारे में एक मूवी भी आई थी, वो तो आपने शायद देखी होगी। एनीवे, कॉपीकैट मार्केटिंग, बस यूँ ही। मार्केटिंग मेरा कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है नहीं, बट मैं इस बुक को कई बार देख चुका था, तो रखी हुई थी, तो चलिए ले लेते हैं, देखते हैं क्या। धंधो इन्वेस्टर, इसका मेरे पास था, मतलब मैंने ई बुक खरीदी थी इसकी, कह सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, तो भी चाहिए थी मुझे, तो ये मुझे दिख गई तो मैंने ले ली। फिर ये मिस्टर भास्कर इनक्रेडिबल साइकिल जर्नी, बोकारो टू नाउ फ्रॉम बोकारो। तो ये मैं क्यों लिया हूँ मिस्टर भास्कर, बस यूँ ही, मतलब साइकिल जर्नी के बारे में अगर हम सोचे तो कई बार हम ऐसा सोचते ही होंगे, कुछ हमने बड़े टूर्स तो किए ही होंगे, साइकिल ही ना सही तो बाइक से या व्हाट एवर द व्हीकल, इट डजंट मैटर। तो ये एक मन में इच्छा तो रहती है कि ऐसे पूरा भारत नापने की या कुछ इस तरह से, चलिए देखते हैं इनकी जर्नी में क्या है। हालांकि मैं ट्रेवल वाली तो बहुत कम ही बुक्स पढ़ा हूँ, है देखा, तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी। देन द लास्ट वन इज़, भाई ये ऐसे रखी हुई थी, मिक्स्ड फीलिंग्स। ये जो फॉन्ट है ना, उसे मुझे लगा कि भाई ये बुक, चलो देखते हैं। फिर हमने देखा इसका टाइटल, फिर हमने इसका देखा पेपर्स, पेपर की क्वालिटी, अरे मस्त पेपर है, खचाक। फिर हमने देखा ये राइटर, राइटर में क्या लिखा हुआ, इज एन आर्टिस्ट, हो गया भाई, इसमें आर्टिस्ट लिखा हुआ, चलो ले लो इसको, आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो बस हो गया इस तरह से, दीज 7 बुक्स। एंड हाँ, ये बुक्स मैंने लोकल स्टोर से ही खरीदी है, तो चलिए देखते हैं, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और अगर समय रहा और माहौल बना तो फिर इसका रिव्यू भी डालेंगे। सो थैंक्स फॉर इट।